नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। इस समय सिर्फ देश ही नहीं, पूरी दुनिया में अगर भारत को किसी संदर्भ में याद किया जा रहा है तो वह है हाथरस। हाथरस और हाथरस, हाथरस एक इस समय टेस्ट केस बना हुआ है कि किस तरह से लोकतंत्र का, दलितों का, महिलाओं का और कानून का गला दबाने पर जब सरकार आमादा होती है उससे कैसे लड़ा जा सकता है, उसके खिलाफ किस तरह से आवाज उठाई जा सकती है। इसका सबसे बड़ा टेस्ट केस इस समय उत्तर प्रदेश का हाथरस है, जहां 14 सितंबर को एक दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और उसके बाद जो कुछ होता है वह सिर्फ बलात्कार, हत्या और इसमें शामिल है पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार। इस समय बहुत तरह की खबरें, बहुत तरह की थ्योरीज, बहुत तरह के विवाद हाथरस की उस लड़की के खिलाफ चलाए जा रहे हैं, उसके परिवार के ऊपर थोपे जा रहे हैं, जो पिछले 15-16 दिनों से भीषण उत्पीड़न का शिकार हुए हैं। यह पहला वाकया है जहां पर पीड़ित के परिवार का नार्को टेस्ट कराने का फैसला कोई सरकार करती है। यह सरकार है योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसने तमाम दबाव पड़ने के बाद डीएम को तो हटाया नहीं, बाकी उल्टी सीधी बात करने वाले अधिकारियों को हटाया नहीं, कुछ पुलिस कर्मियों की को निलंबित किया है और सबसे बड़ा दाव जो खेला है वह यह खेला है कि पीड़िता के परिवार का भी नार्को टेस्ट होगा। यानी एक तरफ डीएम का वह वीडियो हमारे सामने है जिसमें वह सरेआम पीड़िता के परिवार को, उसके पिता को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और उसके बाद खुद योगी सरकार अवतरित होती है डराने के लिए कि समझ जाओ तुम्हारा भी नार्को टेस्ट होगा। और नार्को टेस्ट किस तरह से होते हैं, क्या होता है, उस पर हम अलग से बात कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस समय का जो होना चाहिए कि जब हाथरस की जो पीड़िता है उसका बयान है, उसका डाइंग डिक्लेरेशन है और देश के कानून के हिसाब से अगर कोई भी महिला अपना डिक्लेरेशन देती है, अपना बयान देती है, यहां तो डाइंग डिक्लेरेशन है, मरने से पहले का बयान जिसमें वह कहती है कि उसके साथ बलात्कार हुआ, देश का कानून यह बताता है कि इतना बोलना उस लड़की का काफी है बलात्कारी के खिलाफ केस बनाने के लिए। लेकिन हम देखते हैं पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी, योगी सरकार किस तरह से बेशर्मी पर उतारू है, इसका नमूना हाथरस में इंच इंच पे दिखाई देता है। लड़की की लाश को रातों रात बिना परिवार के जला दिया जाता है और उसके बाद तुरंत पुलिस कहने शुरू होती है कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ। इस समय यह भी खबर जो सामने आई है उससे पता चलता है कि नीचता की, गिरने की, टुच्चेपन की कितनी हद हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पीआर एजेंसी को हायर किया, जी हां, पब्लिक रिलेशन कंपनी को हायर किया, क्या कहने के लिए, यह प्रचारित प्रसारित करने के लिए कि हाथरस पे जो सरकारी बयान है, सरकारी स्टैंड है, यह स्टैंड की लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ। शायद वो कहीं तक भी जा सकते हैं, परिवार वाले को ही दोषी बना सकते हैं। ये सब प्रचारित प्रसारित करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के पास इतना समय और इतना पैसा है कि वह एक पीआर एजेंसी को हायर करती है। एक बहुत बड़ा सवाल जो हाथरस के संदर्भ में बार बार उछाला जा रहा है, हर जरूरी समय पर उछाला जाता है, सोचने पे मजबूर किया जाता है। लोग बोल रहे हैं, अरे हाथरस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, हाथरस पे क्यों राजनीति कर रहे हैं, गोया कि राजनीति करना बहुत बुरी बात है। राजनीति यानी एक बैड वर्ड। सवाल यह है कि क्या बिना राजनीति के ही लोग सरकार में आ रहे हैं, क्या बिना राजनीति के ही प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बने और योगी आदित्यनाथ, योगी मठ से निकलकर उत्तर प्रदेश की सत्ता उन्होंने संभाली,
क्या इसके पीछे राजनीति नहीं है? सवाल यह है कि महिलाओं पर होने वाली हिंसा पर राजनीति क्यों ना हो, यह राजनीति का विषय क्यों ना हो। सबसे बड़ा मुद्दा यही होना चाहिए कि दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, हमारे सामने जो आंकड़े हैं बता रहे हैं, चीख चीख कर बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश रेपिस्तान बना हुआ है, दलित महिलाओं की अस्मिता के साथ वहां दिन दहाड़े खेल हो रहा है। ऐसे में इस पर राजनीति क्यों ना हो, इसी पर राजनीति होनी चाहिए और सारे राजनीतिक दलों से जवाब मांगा जाना चाहिए कि वे हाथरस पर क्या कर रहे हैं। अगर वे अब तक नहीं पहुंचे तो क्यों नहीं पहुंचे, उनके गिरेबान जनता को पकड़ने चाहिए, क्योंकि हाथरस में लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें अपने दिमाग से राजनीति को एक बैड वर्ड करके बहुत ही ज्यादा कि यह खराब चीज है, किसानों पे राजनीति होनी चाहिए, गरीबी पे राजनीति होनी चाहिए, बेरोजगारी पे राजनीति होनी चाहिए। और जब हम कहते हैं राजनीति, यानी इसी पर पॉलिटिक्स की धुरी घूमनी चाहिए, सबसे जवाब मांगा जाना चाहिए। हाथरस इस समय का सबसे बड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन है। यहां पर जिस तरह से दिन दहाड़े पूरा का पूरा सील कर दिया गया, मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, पीड़िता का भाई आकर किसी तरह से बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में सारी चीजें हो रही है, फिल्मों में भी नहीं दिखाया गया था इतना कुछ, तो बाहर आकर मीडिया को बता रहा है कि किस तरह से उसके परिवार वालों को डराया धमकाया जा रहा है, डीएम लात मार रहे हैं, इससे बड़ा अत्याचार और क्या हो सकता है। और इस बात पर संतोष है कि कम से कम हाथरस को लोगों ने ऐसे ही नहीं जाने दिया। योगी सरकार ने हो सकता है सोचा होगा कि रातों रात पीड़िता की लाश जलाकर सब कुछ रफा दफा हो जाएगा और जो कुक्ड स्टोरी, जो बनाई हुई कहानी उनकी है, उसे लोग हाथों हाथ ले लेंगे क्योंकि मीडिया उनके ही हाथों में है। लेकिन अफसोस योगी जी, जैसा आपने और आपके प्रशासन ने सोचा था बिल्कुल वैसा वैसा तो नहीं हो पाया है, क्योंकि मीडिया की कुछ बहादुर महिलाएं घटना स्थल पर पहुंची, उन्होंने दर्ज किया कि क्या हो रहा है और आज भी वे वहां पहुंची हैं, आज बड़ी मुश्किल से वे अंदर गई हैं। किस कानून के आधार पर आपने मीडिया को रोका, किस कानून के आधार पर आपने उसमें पूरी किलेबंदी कर दी कि कांग्रेस के जो उपाध्यक्ष हैं राहुल गांधी वह नहीं जा सके, टीएमसी के लोग नहीं जा सके, कोई नहीं जा सकता वहां। आखिर क्यों, ऐसा क्या छुपा हुआ है वहां पर, ऐसा आप क्या कर रहे हैं वहां पर सबको बंद करके? क्या आप दलित परिवार को छुपाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, चाहते हैं कि वो सरेंडर कर दे? शायद ऐसा हो नहीं पाएगा। ऐसा इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि दलित लाइफ मैटर, दलितों की जो जिंदगी है उसके मायने हैं और इस मायने को गुंजाने वाले लोग अभी इस भारत में जिंदा हैं। वे जंतर मंतर उतरे हैं, वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उतरे हैं, अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक में प्रोटेस्ट हुए हैं, लंदन में प्रोटेस्ट हो रहे, पूरी दुनिया में सवाल उठ रहा है इसका। योगी जी और मोदी जी, यह इतना आसान नहीं है। बच्ची का जो खून हुआ है, उसका जो मर्डर हुआ है, उसका जो रेप हुआ है, वह सवाल पूछ रहा है और पूछता रहेगा जब तक जवाब नहीं मिलेगा। आप जितना सताना चाहेंगे उतनी ही तेजी से दूसरी तरफ से लोग सवाल उठाएंगे। और आज शायद स्मृति ईरानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी संसदीय क्षेत्र में बनारस में इसका आभास हुआ होगा, जब वो बहुत आराम से जा रही थी और वहां लोग उन्हें काला झंडा दिखा रहे थे। लोग पूछ रहे हैं सरकार से कि जिस समय योगी के राज में इतनी अंधेर नगरी बनी हुई है, इतनी क्रूरता हो रही है, एक के बाद एक बलात्कार हो रहे हैं, कहीं कोई जवाब दे ही नहीं, ऐसे में चरखा कैसे काटा जा रहा है, ऐसे में हाथ जोड़ के कैसे नमन किया जा रहा है महात्मा गांधी को। और इस बारे में मैं आपको टेलीग्राफ का जो कवर है वह दिखाना चाहती हूँ। टेलीग्राफ एक अंग्रेजी का अखबार है और वह अपनी हेडिंग्स और मुख्य जो उसकी खबर रही है उसके लिए बहुत ही चर्चा में रहता है। इस मामले में जो उसने खबर प्रकाशित की वह जरूर देखी जानी चाहिए। एक आखिरी बात और जो बहुत जरूरी है इस समय, कि जितने भी किस्से कहानी चलाए जा रहे हैं, जितने भी लोग यह बोलने के लिए तैयार हो रहे हैं या तैयार किए जा रहे हैं
कि लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ, कुछ और रिश्ता था, कुछ और कहानी थी, इन सब के मुंह पर इस लड़की का जो डाइंग डिक्लेरेशन है वह डालना चाहिए, बलात्कार संबंधी जो कानून है वह फेंका जाना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह पूछी जानी चाहिए कि जिस समय इस गांव में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, मीडिया से लेकर सबको रोक दिया गया था, ठीक उसी समय कैसे इस गांव में जो दबंग जाति है, जो ठाकुरों की जाति का गांव बताया जाता है, ये वहां पर इस जाति के लोग कैसे पंचायत करते हैं और कैसे यह डिक्लेयर करते हैं कि बच्चे निर्दोष हैं और सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ये सारा कुछ कितनी आराम से, कितनी खामोशी से हो रहा है, जैसे यह देश का हिस्सा ही ना हो हाथरस। और बहुत दिलचस्प बात कि इन तमाम लोगों को तो मुकम्मल जवाब दिया ही जाना चाहिए, और हमें पता है कि ये क्या सोचकर एक दलित लड़की को, जो जिंदगी में गरिमा नहीं मिली, जिस तरह से उसके साथ ब्रूटल रेप हुआ और जिस तरह से उसे मौत में भी एक सम्मान की मौत नहीं मिली, उसके बाद भी उसे असम्मान से देख रहे हैं, उसके बारे में गलत बातें कर रहे हैं। और इनका जवाब देने के लिए सबसे अच्छी बात है कि इस समय भारत में एक बहुत बड़ा तबका खड़ा हुआ है, चाहे वो आगरा के सफाई कर्मचारी हो जिन्होंने पक्ष में हड़ताल कर रखी और उन्होंने कहा है कि जब तक हाथरस की बेटी को न्याय नहीं मिलेगा वे सफाई में नहीं उतरेंगे, चाहे वह भीम आर्मी की पूरी टीम हो या तमाम महिला संगठन, तमाम राजनीतिक दल जो इस समय इसे ही अपने एजेंडे पे बनाए हुए हैं। अफसोस होता है जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी का मैं बयान पढ़ती हूं, बहुत दिनों बाद वह जागे और उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की, उन्होंने कहा कि देश आपकी तरफ देख रहा है कि आप पीड़िता को न्याय दिलाएंगे। देखिए क्या लैंग्वेज उन्होंने, क्या भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है, आई इंप्लोर यू टू लीड वॉर ऑन द रेप, यानी मैं आपसे भीख मांग रहा हूं, गिड़गिड़ा रहा हूं कि आप बलात्कार के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसका नेतृत्व करें। अवर डॉटर्स नीड यू एंड वी ऑल आर विद यू, द नेशन लुक्स टू यू टू एंड दिस क्राइसिस। कैलाश जी, यह देश और इस देश की लड़कियां गिड़गिड़ाएंगी नहीं, और ना वो गिड़गिड़ा रही हैं। आपको इतना भी पता नहीं चला कि ये हमारा हक है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अपने दायित्व से चूक रहे हैं, वो बलात्कारियों को शरण दे रहे हैं और इसके लिए उनकी आलोचना होनी चाहिए। देश उनकी तरफ नहीं देख रहा, उन्हें देश की तरफ देखना चाहिए। अगर उनको इतनी भी चिंता होती तो इतने दिन ना लगे होते उनको बयान जारी करने में, ट्वीट जारी करने में। उनके दोस्त अमरीकी राष्ट्रपति को कोरोना होता है, सेकेंड के भीतर वह ट्वीट कर देते हैं। यहां लड़की इतने दिनों तक लड़ती रहती है, मर जाती है, उसके बाद वह सोचते हैं कि कुछ किया जाए। हाथरस में लगातार बलात्कार होता रहता है, मरने के बाद बलात्कार होता रहता है, हिंसा होती रहती है। मोदी जी नहीं बोलते, योगी जी नहीं बोलते। यह समझना जरूरी है कि यह हमारा हक है कि हमें सुरक्षा मिले। यह राज्य या स्टेट भीख नहीं देता है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो बुलंद होकर स्वर आ रहे हैं उनके साथ हम खड़े हों। और जिस तरह की साजिशें बिल्डअप की जा रही हैं हाथरस के इर्द गिर्द, उनको हम आखिरी दम तक बेनकाब करें, क्योंकि अगर हमने इस बार साजिशों को जीतने दिया तब मान के चलिए वह लड़की कोई भी हो सकती है, वह मैं हो सकती हूं, वह आप हो सकते हैं, आपके घर के परिवार वाले हो सकते हैं, किसी के न्याय की बात करने लायक हम नहीं रहेंगे। दलित लाइफ मैटर्स। शुक्रिया।